हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाभार्थियों के घर पहुंचे भाजपा नेता, मतदाताओं से हुए रूबरू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में बूथों पर लाभार्थी महासंपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके निमित्त जोधपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में जोधपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार से लाभार्थी महासंपर्क अभियान शुरू हुआ, जो 4 नवंबर तक चलेगा। मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि लाभार्थी महासंपर्क अभियान के लिए 65 शक्ति केंद्रों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा अपने अपने शक्ति केंद्रों में लाभार्थियों के घर घर जाकर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र निवासी, ऊपर के सभी पदाधिकारी एवं बूथ अध्यक्ष लाभार्थियों के घर जाकर एवं मतदाता सूची अनुसार उनसे संपर्क कर रहे हैं। इसमें एक कार्यकर्ता 10 लाभार्थियों से संपर्क कर रहा है, जिनके साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है। इस अभियान का शुभारम्भ आज प्रत्येक बूथ के प्रमुख स्थान से किया गया। शक्ति केंद्र प्रभारी द्वारा महासंपर्क अभियान के तहत केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के पत्रकों का वितरण किया गया। इलाज फ्री हो रहा है हमारा। ये कुल मिलाकर के जो सरकार ने आपको लाभ दिया उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। हम इनको वोट देंगे, हमारे लिए इतना सुविधा मोदी जी ने किया। क्या नाम है आपका? जनता पार्टी की ओर से आज अखिल भारतीय स्तर पर बूथ महासंपर्क अभियान आज शुरू हुआ है। ये 2 से लेकर 4 नवंबर तक पूरा अभियान चलेगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी और वसुंधरा जी की तरफ से जो परिवारों को बधाई संदेश, दीपावली बधाई संदेश दिया जा रहा है, उस निमित्त हम सब हर घर घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके परिवार में खुशहाली रहे, इस प्रकार की कामना हम सब पार्टी की ओर से उनके परिवार के लिए कर रहे हैं। साथ ही जो सरकार की ओर से जो इन परिवारों को जो लाभान्वित हुए, जो लाभार्थी हैं, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो और सुलभ शौचालय हो, जो हर परिवार में शौचालय आज उनको आवंटित हुए हैं और गैस का चूल्हा जो जिस प्रकार। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।